जय श्री राधे, हम पहुंच गए हैं मथुरा और आपको इस वीडियो में श्री द्वारकाधीश मंदिर, विश्राम घाट, अश्मुंडा घाट के दर्शन होंगे। तो आइए मेरे साथ चलते हैं श्री द्वारकाधीश मंदिर की ओर। हम पहुंच गए हैं श्री द्वारकाधीश मंदिर मथुरा और अभी मंदिर के दरवाजे बंद हैं। जैसे ही दरवाजे खुलते हैं आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को द्वारकाधीश मतलब द्वारका के राजा के नाम से पुकारा जाता है। मथुरा का द्वारकाधीश मंदिर 1814 में सेठ गोकुलदास पारिक ने बनवाया था। तो आइए आप भी मेरे साथ श्री द्वारकाधीश के दर्शन कीजिए। दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं विश्राम घाट। यहाँ से ये अश्मुंडा घाट से हम एक नाव के जरिए विश्राम घाट की ओर जाएंगे। श्री द्वारकाधीश मंदिर से विश्राम घाट अश्मुंडा घाट वॉकिंग डिस्टेंस पर है। ये अश्मुंडा घाट है, यहाँ से एक नाव के जरिए हम विश्राम घाट की ओर जाएंगे और आपको बताएंगे विश्राम घाट की मान्यता। अश्मुंडा घाट पे भी भजन कीर्तन चलते रहते हैं। तो आइए चलते हैं विश्राम घाट की ओर। आप चाहें तो बाय रोड भी जा सकते हैं। मथुरा में यमुना नदी के किनारे बहुत से घाट हैं और विश्राम घाट उनमें से एक मेन घाट है। तो आइए जानते हैं विश्राम घाट की हिस्ट्री। भगवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण भगवान ने अपने मामा कंस का वध करने के बाद यहाँ विश्राम किया था। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के दर्शन के बाद यहाँ पर स्नान करना जरूरी होता है और यहाँ विश्राम घाट पर सुबह शाम आरती होती है और आरती के समय श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ रहती है। हम पहुंच चुके हैं विश्राम घाट। यही वो घाट है यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने कंस का वध करने के बाद विश्राम किया था, इसीलिए इस घाट का नाम विश्राम घाट है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय श्री राधे।